नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी रूम में, मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे बजट 2021 अपडेट्स ऑन जीएसटी। जी हाँ, निर्मला सीतारामन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश की, उन्होंने आज संसद में बजट 2021 प्रेजेंट किया और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हुए थे फाइनेंस को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर और बाकी सेक्टर्स को लेकर, और जीएसटी को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं बजट 2021 में। चलिए जानते हैं, सबसे बड़ा बजट में चेंजेस लाया गया है, जीएसटी में चेंजेस लाया गया है, वो है जीएसटी ऑडिट स्क्रैप्ड एज बजट ओमिट सेक्शन 35(5) फ्रॉम जीएसटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 35(5) जो जीएसटी एक्ट का है उसमें जीएसटी ऑडिट स्क्रैप कर दिया गया है। इसका मतलब नो नीड टू फाइल जीएसटीआर 9C एंड नो नीड ऑफ जीएसटी ऑडिट बाई सीए एंड सीएमए। जी हाँ दोस्तों, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें जीएसटी ऑडिट करना यानी जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी था, लेकिन अब ये जो रूल है उसे हटा दिया गया है। जीएसटीआर 9C जीएसटी रूल में से हटा दिया गया है। अब आपको यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा जाता है तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए इसे ऑथराइज सिग्नेटरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था अपडेट। चलिए जानते हैं कि सेक्शन 35(5) एक्ट क्या कहता है। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 44(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि सेक्शन 35 के अंदर दिए गए अनुसार आपको जीएसटीआर 9C यानी ऑडिट करना था आपके बिजनेस का, कितना आपने ITC अवेल किया है, कितना आपका टर्नओवर है, कितना आपने सेल किया, परचेस किया, ये सारे ऑडिट करने थे, कितना गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया है, ये सारा ऑडिट करना था सीए और सीएमए से, लेकिन अब ये करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में नोटिफाई हमें जल्दी ही किया जाएगा नोटिफिकेशन द्वारा। तो देखते रहना हमारे जीएसटी रोकर चैनल और जीएसटी अपडेट चैनल के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।